हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको हम बैनर बनाना बताएंगे, किस तरह से बैनर बनाया जाता है, और सारा मटेरियल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन का जरूरी पड़ा, जो कि देखिए यहाँ पर पिक्सल लैब है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा फ्री में। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर इसको ओपन कर लेना। ओपन करके कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, इसको यहाँ सब क्या करना, आपको डिलीट कर देना। डिलीट करने के लिए यहाँ पे ए वाला बटन, इस पर क्लिक करना है और डिलीट बटन पर क्लिक कर इसको डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद क्या करना है, आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और फ्रॉम टू गैलरी में जाकर इसको सेलेक्ट कर लेना आपको बैकग्राउंड को, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, इससे बैकग्राउंड को पूरा फुल कर देना। फुल करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम टू गैलरी में जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए बॉर्डर पीएनजी जो इमेज है फ्लावर वाला, इसको ले लेना। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सारा जितना इसमें यूज कर रहे हैं सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, आप वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। उसका इसको यहाँ से ऊपर कर लेना, ऊपर में लगा देना है बॉर्डर में। उसके बाद फिर से आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर हिंदी में टेक्स्ट पीएनजी मिलेगा, जो कि आपको देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ बता देते हैं कुछ इस तरह से। आप देखिए शुभ कलश स्थापना का कुछ इस तरह से आपको हिंदी टेक्स्ट मिलेगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से फिर से प्लस क्लिक करना है, फिर से गैलरी में जाना है। उसके यहाँ से नवरात्रि वाला जो टेक्स्ट हिंदी पीएनजी में है इसको सेलेक्ट कर लेना। तो इसको भी यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से इस जगह पर लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा लेना है। और लगाने क्या करना है, फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फिर से आपको गैलरी में जाना है और उसका देखिए माँ दुर्गा का जो पीएनजी इमेज है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने क्या करना, आपको इसको इस तरह से साइज को यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पर बढ़ा देना है। बढ़ाने क्या करना, आप इस जगह आप जो कि खाली जो यहाँ पर स्पेस बच गया इस जगह आप अपना इमेज को लगा लेना, ठीक है। तो आपको अपना इमेज यहाँ पर पीएनजी में लगा लीजिएगा, और पीएनजी में नहीं होगा तो आपको दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने चल देखिए मेरे पास पीएनजी इमेज है, तो आप अपना इमेज को पीएनजी में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिएगा। और कन्वर्ट करने क्या करना, आपको इस जगह पर यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मोटा कर लेते हैं और कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। जिससे कितना बेहतरीन तरीका से आपका जो इमेज है बन चुका, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पीएनजी इमेज नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके इसी ऑप्शन आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम टू गैलरी में जाना है। आपके पास जो भी इमेज होगा, देखिए मेरे पास लड़की का इमेज है, तो इस लड़की का इमेज आपको लगाना चाहते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना। और पीएनजी लड़की का इमेज था वो भी मिलेगा, उसको भी डाउनलोड वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए फॉर्मेट मिलेगा आपको यहाँ पर 1x1 का, इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसको आपको यहाँ पर इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना, क्रॉप करके यहाँ से प्लस सही का आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह देखिए आपका जो इमेज है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करके आपको इस जगह पर यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। जो खाली जो जगह है इस जगह पर लगा लेना। लगाने के अगर आप यहाँ से आपको बॉर्डर बनाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर में यहाँ पर देखिए स्मोकिंग का ऑप्शन दिखा देगा, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। ऑन करके देखिए यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ से आपको क्या करना है, 5 कर देना, ठीक है, 5 कर देना है और यहाँ से ओके कर देना। ओके करके आप देखिए जो आपका जो इमेज है कुछ इस तरह से बैनर बन गया, ठीक है। इस तरह से आपको बन जाएगा और बनना इसको क्या करना, आपको सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर आइकन दिखा देगा शेयर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इसका देखिए आप यहाँ पर फ्रंट टू गैलरी का एक ऑप्शन मिलेगा, सेव टू गैलरी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। इसको यहाँ पर से इस आपको जो हाईलाइट बढ़ाना चाहते हैं इमेज का, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस वाला जो डिफॉल्ट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। और उसका देखिए आप यहाँ पर अल्ट्रा वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। या वेरी अल्ट्रा कर सकते हैं या अल्ट्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको वेरी अल्ट्रा सेलेक्ट करके और यहाँ से सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करेगा तो आपका जो इमेज है वो गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको एड आ रहा है, इसको एड को कट कर देते हैं। आपको वीडियो कैसा रहा है, वीडियो अच्छा था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हम जो वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।